उस बीच में ये अडवाणी जी राजमाता सिंधिया लिया बोली बल्ले जो मना भी कर रहे थे चालीस तम्बालीस कार से फट गई ऊपर को मंच गैंती फावड़ा थोड़ी चूड़ी गिरना शुरू कर दिया सिंहासन था रामलीला का तो सिंघासन खंडित तो होने का डर था मेरे को मैंने कार को कहा भाई ये रामलीला खंडित हो जाएगी तो, तो अपना सारा काम खराब हो जाएगा कोई सीन नहीं अरुण नरुण इधर काले वाले खुलवाए थे उसमें ऐसी सुनाया मैंने एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद को तोड़ दो राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे 6 दिसंबर उन्नीस सौ का वो दिन जब पूरे अयोध्या में इस तरीके के नारे गूंज रहे थे पूरे देश से तमाम बड़े नेता और कहें कि हिंदूवादी नेता वहाँ पर मौजूद थे कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पीवी वी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे देश के उस दिन जो गठित हुआ उसके चश्मदीद कार सेवक लल्लू राम शर्मा जी हमारे साथ हैं उनसे वो सब बातें आज पूछेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखा जब गुम्बद को डहाया जा रहा था तो राम लल्ला का गेट के ऊपर वो मौजूद थे और राम लल्ला की रक्षा वो कर रहे थे कि किसी तरीके से खंडित ना हो जाए मूर्तियाँ क्योंकि ऊपर से ईंटें गिर रही थी और उन राम लल्ला की रक्षा करना भी उनका दायित्व था उन्नीस की घटना पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से सरयू किनारे गोलियां चली और कोठियारी भाई मारे गए तमाम बातों के ऊपर आज बातचीत करेंगे क्योंकि 22 जनवरी को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम लल्ला को विराजमान कराएंगे और एक बार फिर अयोध्या में राम लल्ला विराजमान होंगे हमारे साथ लल्लू राम जी है पहला सवाल हम यही जानने चाहेंगे कि आपके जो यहाँ से जानने का कार सेवा करने का शुरुआत कैसे हुई किसने आपको कहा कि यहाँ से कार सेवा करने के लिए अयोध्या चलना है हम यहाँ से चाकसू तहसील से नब्बे की कार सेवा में तो एक सौ एक लोग लेके गया था अच्छा पूरी तहसील से और भरतपुर तक एक सौ एक रेम नब्बे की बात है भरतपुर में से फिर मथुरा गए मथुरा जंक्शन पे जो तूफान मिल गाड़ी आई उसमें बैठ गए अब उसमें कितने कार से बैठे कितने नहीं बैठे ये तो पूरी जानकारी नहीं इटावा में जो मुलायम सिंह का वो क्षेत्र है वहाँ तूफान मिल को रोका गया और कार से रोकर से गाड़ी खाली को खाली करवा ली सबको हमारा सामान लूटा हमारे से मारपीट की और को आगे जाके फिर वो गाड़ी की चैन पूरी करने से सब कार से जो थे बैठ गए कानपुर गाड़ी पहुंची तूफान मील तो स्टेशन पर वो टीवी लग रहे थे उसमें वो शाम वाली न्यूज आती है ना उसमें आ रहा था कि समस्तीपुर में लालकृष्ण अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया लालू यादव ने ये मुख्यमंत्री था लालू यादव वहाँ का और उत्तर प्रदेश के चौबीस नगरों में कर्फ्यू लग गया हम रात को कानपुर में ही रहे सोलह लोग रहे थे एक सौ एक में से सोलह लोग एक साथ थे कानपुर में रात को सुबह भी एक ग्रुप बना लिया हमने भाई सोलह लोग एक साथ नहीं चल सकते हैं आप चार चार ग्रुप बना लो तो चार के ग्रुप बना दो तो मैं हेम सिंह राठौड़ चंद्रा जी का ही है और प्रकाश बागड़ा तितरिया गांव का है और भगवत सिंह जी गढ़वासी के हैं हम चारों लोग ग्रुप बना करके लखनऊ पहुंच गए लखनऊ एम सिंह का भाई मिल्ट्री में था वो मिल गया उसने भोजन करवाया और भोजन करवाने के बाद में कह दिया भाई ठीक है हम प्रदेश कार्यालय पहुंच गए प्रदेश कार्यालय रात को रहे दिन में रहे रात शाम को हमको अरेस्ट कर लिया ये बात अयोध्या की है अयोध्या की है। लखनऊ की लखनऊ की।, की है ये बात लखनऊ की है लखनऊ में हमको अरेस्ट कर लिया पुलिस ग्राउंड में ले जाके हमको बंद कर दिया दस हजार लगभग दस हजार कार सेवक थे उस, उस रात को बारह बजे तक वहाँ रहे बारह बजे में बस, बसें आ गई और बसों में पचास पचास कार सेवक को बिठा बिठा करके दो दो सौ किलोमीटर आगे ले जाकर छोड़ दिया हमको सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में गोला गोकर्णाथ स्थान है व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कॉलेज है उस कॉलेज ने बंद कर दिया हमको दो दिन के बाद में वहाँ से निकल करके होटल लखनऊ आ गए लखनऊ आने के बाद में गोंडा पहुँच गए गोंडा कोई मारवाड़ी धर्मशाला है उसमें करीब पाँच हज़ार कार सेवक होंगे मेरे विचार से रात्रि को भोजन किया भोजन करने के बाद सो गए सुबह उठ के का हमको ऐसा कहा भाई जो आदमी छत्तीस इंच का या छप्पन इंच का दिल रखता है वो जा सकता है तो हम चारों लोग वहां से चल दिए पैदल चार रात चार दिन में अयोध्या पहुंच गए तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी छप्पन इंच का सीना कहते हैं ये वहीं से चला हुआ होगा हो सकता है हमको कहा गया था गोंडा में जो अग्रवाल धर्मशाला है ना भाई छप्पन इंच का जिसका है न सीना वो जा सकते हैं और के अरे के बस की बात नहीं हम चारों लोग चार रात चार दिन में वहां पहुंच गए अयोध्या अयोध्या स्थल के जो पुड़िया है उस पुड़िया में व्यवस्था थी कार्य सेवकों की भोजन की रहने की एक तो वो तिरपाल देते थे, थे बछाने के लिए और ये गुड़ने के लिए मैं अपना कम्बल है उसके ऊपर डाल दिए ये वो से नहीं पड़े आपके ऊपर वहाँ से जो पी एस सी है वह वहां जो पुलिस थी पी एस सी वो गोलियाँ में चला रही थी वो आंसू गैस से गोले भी छोड़ रही थी पर हम कार्य सेवकों में बहुत दमदार लोग थे वो आली गीली बोरी कर करके कर उसको जेल लेते थे और खड्डा गाड़ के खत खोद के गाड़ देते थे उसको जिससे वो निष्क्रिय हो जाए आंसू गैस के गोले आ, और का आ, आ, हाँ। आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। चार दिन के बाद में क्या कि वो दिगंबर खाड़िया में सर्द कुमार राम कुमार कोठियारी उनकी बहन पूर्णिमा और ये अरोड़ा जी एक माली सैनी थे राजस्थान के इन कार से वो चारों की हत्या कर दी दिगंबर अखाड़िया में पुलिस की गोली से मारे गए पुलिस की गोली से मारे गए पुलिस की गोली से मारे गए दिगंबर अखाड़े में फिर दूसरे दिन सुबह ये उन्होंने सोचा कि ये तो मरने के लिए तैयार हैं कार सेवक जान दे रहे हैं आ, और बहुत लोग दे सकते हैं आ, और गोलियों से सैकड़ों आदमियों की हत्या भी की है वहाँ और कार सभी उनको डाला है मरने के बाद मन, खुद मुलायम सिंह ने कहा है कि, कि मैं सोलह कार से या सोलह कार सेवकों की हत्या करा दी मैंने और अब अब और जूट पड़ेगी तो मैं वो भी करा दूंगा दूसरे दिन सुबह जो वो पुलिस पी हमको पशुओं के के की की तरह डंडा लेकर हाथ में सबको घेर निकाल आ ये बात है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह हुआ करते थे बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे रामरथ यात्रा गुजरात से लेकर चले थे लाल कृष्ण आडवाणी और उनके सारथी थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हैं वो उनके सारथी थे उनकी योजना थी लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में जाते जाते लाल लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री थे तो वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया था उसके बाद में जिस तरीके से लालू राम जी ने बताया, लालू राम राम जी जी ने ने बताया बताया कि किस तरीके से वहाँ पे आंसू गैस के गोले चलाए जाते थे चली जिसमें कोठियारी भाइयों की मृत्यु हो गई जिसके बाद में इनको वहां से खदेड़ दिया गया और इनको भी लगा तो फिर वापस वहां से आप रवाना हो गए घरों के लिए वापस हाँ घरों के लिए वापस हो गए नब्बे में और बैठ के ट्रेनों में बसों में आके आ गए क्यों उस समय आप कार सेवा करने गए थे लेकिन क्या लगा आपको वापस नहीं सकती थी उस टाइम अच्छा। कार सेवा होना संभव नहीं था नहीं। तो आ गए फिर हम लोग ठाकुर जी भगवान कृपा थी बानव में गए अच्छा 1990 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे बीपी सिंह प्रधानमंत्री उन्नीस सिंह प्रधानमंत्री थे उसके बाद में दो साल तक आप लोगों ने क्या योजना बनाई यहाँ ठाकुर जी की योजना बनती है हमारे कोई व्यक्तिगत योजना नहीं थी कोई संगठन की योजना भी नहीं थी है ना फिर वो उस टाइम दुख था हमको भाई हमारे सामने कार्य सेवकों को मारा हत्या की हमको हमारे मारपीट की हमारा सामान छीन लिया ये दुख था आत्मा में और भगवान कृपा थी बानव चले गए में जाके तो वो तो में में जाने से पहले कोई आप लोगों ने देश में अलग अलग, अलग जगह पर कोई योजना बनाई किसी से बातचीत की सब लोग एकत्रित एक साथ कैसे हुए मतलब वहां पर जब पहुंचे तो इतने लोग एक साथ पहुंचना किस कैसे नहीं संगठन है जो कुछ प्रेरित तो करता था अच्छा पर तो कोई संगठन भाई ये कोई संघ वाले कर रहे हैं कोई बीजेपी वाले कर रहे हैं ये तो कार सेवक ठीक सेवक जुड़े हुए थे सब लोग लो थी और वो कार्य सेवक साथ हुँ हुँ। उसका ही वो दुख दुख था और उस दुख के कारण उन्नीस सौ बानवे में तब तक के भाजपा चार स्टेट के अंदर आ चुकी थी चाहे राजस्थान मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सुंदरलाल बैरू सिंह जी के मुख्यमंत्री राजस्थान के सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था और वो शांता कुमार थे वहां हिमाचल के और खुराना जी थे दिल्ली के यार इनका कोई दोस्त नहीं है ढांसा गिरा ने ये ललित किशोर चतुर्वेदी यहाँ के मंत्री थे पीडब्लू मंत्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री उन्होंने कहा था मैं कार से हम जाऊँगा बैरो ने कहा कि कहातीफा दे के जाओ आप सरकार में हो इस्तीफा दिया और वो खत कुंज से ये बात कही भी है ललित किशोर चतुर्वेदी ने कि मैं इस्तीफा दे के आया हूँ और कार से हम आया हूँ बहुत लोग थे अब उन्नीस सौ बानवे का वो दिन जब छह दिसंबर उन्नीस सौ बानवे जब बाबरी मस्जिद या जिसको विवादित ढांचा कहा जाता है उसको गिरा दिया गया तीन गुमबंद थे तीनों को गिरा दिया गया उस दिन के एक दिन पहले आप अयोध्या में थे आ, अयोध्या एक दो तीन अच्छा। अयोध्या में में एक दिन 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 पहले 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 दो तीन चार था बिल्कुल तो क्या प्लानिंग क्या सोच रहे थे आपके कल क्या होगा वहां पर जो अपन जाकर क्या करेंगे नहीं थी कोई योजना नहीं थी बस ढांचा गिराएंगे कोई योजना नहीं थी बस जाने के बाद भगवान की कृपा से कोई योजना बनी है कोई दुख था कष्ट था कार सेवकों की हत्या हुई है कार सेवकों को परेशान किया कार सेवक को लूटा बहुत दुखी था कोई योजना नहीं थी भाई ढांचा गिराएंगे कोई संगठन की कोई योजना नहीं थी कार सेवकों ने ढांचा गिराया है आठ बजे वो जो प्लेटफार्म बना हुआ था पहले उस प्लेटफार्म को गंगाधर से लाके के धोहाया कार सेवों ने अतः सुबह आठ बजे और सर्विस में मिट्टी ला करके अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार कोई पाँच किलो कोई दस किलो कोई बीस किलो मिट्टी की बालू रेत करके, पिचारी के पिछाड़ी ढांचा की पिछाड़ी बहुत खड्डा सा गहरा नहीं लेकिन जो ढांचा था उससे दो किलोमीटर दूर रोक दिया गया था पुलिस की कंपनियां लगी हुई थी पुलिस लगी हुई थी तारबंदी की कोई, कोई नहीं रोक तार नहीं थी परिसर के चारों तरफ थी जमीन थी वो जो लगाए हुए थे पाइप लगाए हुए थे उनको तोड़कर फिर पहुंचे कैसे पहुंचे वो तोड़ दिया कार से कौन अच्छा भाई पहले तो वो तारों की बाढ़ लग रही थी एंगल में एंगल लग करके तार तारों की बाढ़ थी अंदर पाइपों की बाढ़ थी एक इंची सवा इंच के पाइप थे उसकी ढांचे के चारों तरफ तो कार सेवकों ने तोड़ दिया उसको कोई योजना नहीं थी उसकी तोड़ने की भी कार से गंगा जल ले जा कर को धो रहे थे और मिट्टी डाल करके वो खड्डे में मिट्टी डाल रहे थे अचानक ही कोई सी व्यवस्था हुई ठाकुर जी कृपा हुई और कार से चालीस चम्वालीस कार से ऊपर चढ़ गए ढांचे पे और गयी फावड़ा थोड़ी से द्वारा कोई 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 कह रहा है बम से उड़ा दिया यार वो कर दिया यार बहुत हुआ कुछ नहीं कार से ने हाथों से डाया है उसको और मैं, मैं रामलला की सुरक्षा में था आठ बजे से बारह अच्छा, बजे अंदर जहाँ पर रामलला विराजमान थे पहले से जिनकी मूर्ति हाँ, थी वहाँ पर आप थे बिल्कुल तीन डांत तीन तीन गुंब बनी हुई है दो साइड में बीच गुंब में रामला विराजमान थी उस राम भगवान से सबकी रक्षा करते हैं आदमी के बस की बात नहीं है कि भगवान की रक्षा करे पर ऐसी कोई योजना थी ठाकुर जी की मैंने भगवान की सुरक्षा के लिए मेरे को लगाया गया था हम ही हम ही चयन करते थे कोई आदेश नहीं था कि तो भाई लल्लू राम को वहाँ बनाओ हम बैठ करके बातचीत करते थे बातचीत करें साहब आप आप ही योग्य हो आप करो रक्षा तो मैं रक्षा में लग रहा था भाई एक मीर बांके का मठोट लग रहा था जो मठोट है ना गेट पे ऊपर उसे मीर बांके लिखा हुआ था उसके नीचे मेरी ड्यूटी थी कोई अंदर नहीं जाता था दर्शन करो तो बाहर से करो एक एक, एक लाइन लग रही थी एक 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 कार सेव दर्शन कर रहा था और कार सेवा वो मिट्टी डाल के कार सेवा कर रहे थे प्लेट को धो रहे थे अचानक बारह बजे ऐसी योजना हुई ठाकुर जी की कृपा हुई चालीस तम्बालीस कार सेवक थट गई ऊपर गुमच पे गैंती फावड़ा थोड़ी चीड़ी लेकर के और गिराना शुरू कर दिया तो कोई उस वो छत है ना जो कोई वो उसकी सरियों की जैसे सीमेंट की छत नहीं थी ईंटों की बनी हुई थी आपस में ईंटें उड़ रही थी वो ईंटे पड़ने लगी अंदर वो जो सिंहासन था रामलीला का वो सिंहासन खंडित होने का डर था मेरे को मैंने कहा भाई ये इसको रामलीला खंडित हो जाएगी तो अपना सारा काम खराब हो जाएगा फिर रामलीला रामलीला को उस सिंहासन सहित ले जा करके वह खत्ता कुंज पर रख दिया और मैं वापस आ गया कार सेवा हो रही थी मैंने कोई डाने आने का काम तो किया नहीं अच्छा ये आप रामल्ला को कथाकुंज में ले जाने का काम आपने किया कथाकुंज को ले जाके विराजमान कर दिया वहाँ अच्छा कई किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि कोई राम की वहां से ही ले गया नहीं, था नहीं, नहीं सब झूठ है ये बात अच्छा कोई कोई मूर्ति नहीं ले गया उस सिंहासन को वो डासा पूरा गिर गया उस बीच में ये अडवाणी जी और राजमाता सिंधिया मुरली मंडी जोशी मना भी कर रहे थे कि भाई डाशिव को मित गिराओ सौगंध है भगवान राम की पर से सेव को नहीं मानी बात बात नहीं मानी डांचा गिर गया पूरा चार बज के करीब दस मिनट पे बिल्कुल साफ हो गए तीन तीनों गुमच फिर गुमान मंजी लोडा से चीफ जस्टिस राजस्थान के उन्होंने कहा कि रामला को विराजमान करो और मंदिर का दिशा निर्माण निर्माण करो रामला को विराजमान कर दिया उस जहाँ पहली विराजमान थी फिर वापस लेकर आया आप लेकर आए और वहाँ विराजमान कर दिया और विराजमान करने के बाद मंदिर को बनाया निर्माण किया मेरे हाथों से ईंटें दिए ऐसे चैनल बन रही थी कार सेवकों की एक ईंट मेरे को और मेरे आपको और वो तीसरे को वो चौथे को ऐसे ईंट पूछ रही थे ऐसे मुसाला की प्रात पूछ रही थी उसमें बहुत कार्य करते दो लाख कार्य से उतर कम से कम उन बहुत कार्य करते तो दास साहब सात सात फुट की दीवार हो गई थी वो जितनी वो बिचली गुम्मत थी ना उसकी चौड़ाई के अनुसार ही सात कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद वो मिलिट्री फैजाबाद थी वो मिलिट्री वहाँ अयोध्या के लिए पूछ कर रही तो हमको सूचना मिली भाई अब इलेक्ट्री आ गई कुछ हो सकता है हम फिर वहाँ से आ गए उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया था या उनको हटाया गया था नहीं इस्तीफा दिया था उन्होंने जाकर उन्होंने उन्हों ठीक कहा था कल्याण सिंह जी ने भाई मैं ढांचे की सुरक्षा करूँगा रक्षा करूँगा डांचे की पर मैं गोली नहीं चलाऊँगा कार से वो गोली नहीं चलाऊँगा गोली नहीं चला सका और कार से छट गए और को डाल दिया मैं असमर्थ रहा रक्षा करने के लिए अब मैं इस्तीफा दे रहा हूँ अस्तीफा दे दिया इस्तीफा मंजूर हो गया और मिलिट्री बात आवाज से अयोध्या चले गई और फिर आप वहाँ से चले आए अपने अपने आ आ कहा यह भी जाता है कि राजीव गांधी अरुण नेहरू इन्होंने भी बड़ी मेहनत की थी उन्होंने भी कोशिश की थी कि, कि किसी तरीके से राम कोई कोशिश नहीं अरुण नेहरू ने जरूर वो ताले वाले खुलवाए थे उसके ऐसी सुना है मैंने भाई अरुण नेहरू उसको तो मालूम ही नहीं राजीव राजीव को तो दो दिन बाद मालूम हुआ कि ये ये ताला खुल गए कोई कोई लेना देना इसका ये कानून मंत्री था ना वो सिब्बिल कांग्रेस का कपिल सिब्बिल वो तो इनकी पैरवी कर रहा था कि मंदिर नहीं बनना चाहिए वो तो रोक रहा था उसके पीस आई एक ऑनलाइन एक करोड़ भी इक्कीस लाख रुपये पीस के आए रुकाने के लिए और वो ये भी कह रहा था कि वो चुनाव के बाद में ये हो अभी नहीं कोई काम नहीं चलना चाहिए अच्छा फिर ये बात है छह दिसंबर उन्नीस सौ बानवे की और लगभग अब इकतीस साल हो चुके हैं अभी तक राम लला विराजमान नहीं होने के पीछे क्या कारण मानते हैं और अब जो हो रहा है उसमें किसको मानते हैं किसकी वजह से अब रामलला वहां पर विराजमान हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ मानते हैं रामलाल विराजमान थी वहां उस टाइम से ही अब मंदिर का निर्माण कर रहे हैं ये जो हो रहा है सारा काम ये नरेंद्र मोदी की मेहरबानी है अब पहले पहले बढ़ जाता पाँच पांस, पाँच सौ साल से लड़ रहे थे कांग्रेस ने बंडने नहीं दिया और भी ये और ये विपक्ष के आदमी है ये भी हम भंडाना नहीं चाहते थे क्योंकि मुसलमानों को वोट चाहिए नहीं इनको मुसलमानों को वोट चाहिए इसलिए नहीं, नहीं बढ़ने दे रहे थे और कोई दूसरा कारण नहीं है ये तो काल्पनिक बता रहे थे कांग्रेस तो एफिडेविट दिया है इन्होंने तो कोर्ट में कि भगवान का जन्म ही नहीं हुआ और ये तो पूछ रहे हैं ना आज भी कौन से कमरे में जन्म हुआ है किसने देखा है तो ये ये कोई बातें ठीक है क्या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस समय कहीं मिले आप कहीं मुलाकात हुई थी आपके कभी देखा था आपने उस समय जब नरेंद्र मोदी देखा ना फेमी के चुनाव में गया हूँ मैं दो बार जो विधानसभा के चुनाव है ना गुजरात में तो मैं गया हूँ और सबसे ग्रहण समारोह रहा हूँ पटनी स्टेडियम मैं भी खुद ही रहा हूँ तो लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है हजारों करोड़ जो जो करोड़ों लोग हैं हिंदू हैं उनकी आस्था के साथ सही न्याय हुआ है और यही कर सकते थे बिल्कुल सही न्याय हुआ और ये इनकी बदौलत हुआ ये सब काम चाहिए नहीं तो और, और तो सरकारें आई गई चले गई इसके सरकार इसके दि, दिमाग में थी ये बात मोदी जी के कि ये मंदिर बनाना अपन को तीन सौ दी ये मंदिर बना दिया ये खूब काम कर रहे हैं भगवान के भगवान भगवान का कोई ही है था। भगवान के है के मोदी एक आदमी नहीं नहीं कर सकता बस की बात नहीं है यह बात कहा ये भी जाता है कि उस समय जब केंद्र से वो जो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था कल्याण सिंह के हटते ही उसके बाद में भी बड़ा समय मिला था लेकिन केंद्र ने भी कोई कार्रवाई नहीं की कोई टीमें नहीं भेजी जब ढांचे को ढहाया जा रहा था नहीं टाटे नहीं थे बात ये तो ये बता रहे ये तो अंदरून सारे तो थे पर इन उल्टा हो गया काम क्योंकि इनका ये तो ये मुसलमानों के वोट के डर से ये नहीं करना चाहते थे बस भाई मुसलमानों के वोट चल जाएंगे अब आपको बताऊं मैं जो स्वतंत्र में चुनाव हुए हैं ना लोकसभा के उत्तर भारत में दो सीट है लोकसभा की दो सीट उत्तर भारत में लोकसभा की है कि वो मिर्जा जीता था यहाँ से दो सीट मार गए और एक ही कारण से हार गए कि वो नसबंदी का मामला था न मुसलमानों ने वोट नहीं दिए एक कार्टून आया था पत्रिका में समिति बन रही है कांग्रेस की और ये आग लेके खड़ा है डा राम मिर्जा चुपने वाला नहीं कोई एक भी नहीं किया एक ही जीता था ना कि वो आग लेके खड़ा पीछे देख रहा है कि उठाने वाला कोई है क्या ऐसी स्थिति थी, थी। ललूराम जी आपको भी लंबा समय हो गया आर एस एस से जुड़े हुए हैं तृतीय वर्ष हैं बहुत कम लोग पहुंचते हैं इस पूरे दौर को कैसे देखा है आपने बदलती हुए किस तरीके से कांग्रेस के राज में किस तरीके की व्यवस्थाएं थी और आज किस तरीके से देश बदल रहा है ये भी आपने देखा है किस तरीके से देखते हैं इस पूरे लंबे समय को देखो आदमी को कार्य करने की कुशलता होनी चाहिए मैं ऐसा आदमी हूँ एक बार लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद संपूर्ण सामर्थ्य लगाकर कर प्राप्त करने में जुट जाना चाहिए पर ये कहने से काम नहीं बनेगा कि मेरी परिस्थिति ठीक है नहीं आप एकदम जिससे चाहिए कैसी परिस्थिति हो लक्ष्य प्राप्त एकदम लेंगे मैं इस इस योजना का आदमी हूँ इस भावना का आदमी हूँ मैंने जिंदगी में तय कर लिया ना भाई ये काम करना तो करा है और उसमें सफलता मिली है मेरे को आज तक असफल नहीं हुआ मैं जो भी मैं देखा है ना मेरी जिंदगी में उठाया उसको असफलता नहीं हुई आज तक नहीं मिली मेरे मैं खेती करने वाला आदमी हूँ किसान हूँ आदमी मेरी उस कार सेवा में गया मेरी जल पानी नहीं लगा उस खेती में सूख गई खेती परंतु मेरा ये देह था कि राष्ट्र और ये समाज सर्वोपरि है करते रहेंगे खेती हो आगे आगे हो जाएगी अगले साल हो जाएगी क्या प्रकट प्रथम की बात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चलते हैं तो क्या लगता है कि सही हाथों में है देश सही तरीके से चल रहा है विदेशी ताकतों से लड़ने के साथ ही देश की उन्नति में भी बिल्कुल सही हाथों तो में है और भगवान का आशीर्वाद है मोदी जी को अच्छा कर पाएंगे अच्छा कर पाएंगे और सफलता मिलेगी इनको अभी गिरेंगे डाउन नहीं होंगे कभी भी ये जो दिति दिति से काम कर रहे हैं ना असफल नहीं होंगे कभी भी ये सफलता ही मिलती रहेगी इनको लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव लोकसभा में बड़ी भारी जीत होगी बीजेपी ये थे हमारे साथ लल्लू राम शर्मा जी जो उस समय कार सेवक थे जब बाबरी मस्जिद यानी कि कहें तो विवादित ढांचे को डहाया गया था तीनों गुमबंद ढहा दिए गए थे और बड़ा माहौल पूरे देश के अंदर बना था लेकिन 22 जनवरी को रामलला यानी कि अयोध्या के अंदर रामलला फिर से विराजमान होंगे नए तरीके से पूजा पाठ होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला विराजमान है लेकिन जो नई मूर्तियां हैं जो पूरे भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है उसका उद्घाटन और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी 22 जनवरी को हम भी वहीं से आपको दृश्य दिखाएंगे जो राम अयोध्या के अंदर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी